जानवरों की फनी वीडियो दिखाने के लिए हमने एक सीरीज की शुरुआत की, जिसमें हमने आपको दिखाया कि किस तरह जानवर अपने उल्टे सीधे कारनामों से लोगों को खूब हंसाते हैं। खैर जो भी हो, उन सभी वीडियोस पर आप सभी का काफी अच्छा प्यार देखने को मिला और आप सभी ने अगले पार्ट की डिमांड भी काफी ज्यादा कर दी, इसलिए हम एक बार फिर लेकर हाजिर है जानवरों से जुड़े कुछ ऐसे ही मजेदार और फनी वीडियोस। तो चलिए फिर देर ना करते हुए जल्दी से शुरुआत करते हैं एनिमल फनिस्ट मोमेंट कोटोना कैमरा वीडियो के पार्ट 7 की। सबसे पहले इस वीडियो में एक बिल्ली काफी देर से एक कुत्ते को छेड़ रही थी और इस दौरान यहाँ पर एक कुत्ता एक चेन से बंधा हुआ था और इसी वजह से ये इस बिल्ली का ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था और इसी वजह से तो यहाँ पर ये बिल्ली इसी बात का फायदा उठाकर कुत्ते को और भी ज्यादा परेशान कर रही थी। लेकिन भाई साहब यहाँ पर कुत्ता भी कुछ कम नहीं था, क्योंकि जब बिल्ली उसे ऐसे ही काफी देर तक परेशान करती रहती है तो वो एक तरकीब लगाता है और पीछे घूमते हुए अपने पिछले पैरों की मदद से बिल्ली को एक जोरदार लात जमाता है, जिसकी वजह से बेचारी बिल्ली अपनी जगह से दूसरी जगह पर जाकर गिरती है और चुपचाप यहाँ से निकल लेती है। अब जरा अगली इस वीडियो को देखिए, जो कि थोड़ी इमोशनल होने के साथ साथ काफी ज्यादा फनी भी है, लेकिन जब आप इसे देखोगे तो आपको भी एक बार तो हंसी आई जाएगी। दरअसल यहाँ पर होता है कि एक कुत्ता बिना बात एक गाय से पंगा लेने पहुँच जाता है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर ये कुत्ता गाय को कुछ भी नहीं करता है और चुपचाप उसके सामने खड़ा ही रहता है, पर बेचारे कुत्ते की बुरी किस्मत के चलते ये गाय के पास में लगे इलेक्ट्रिक फेंस को छू लेता है और इसी वजह से इसको एक करंट का झटका लग जाता है। अब जो ही कुत्ते को करंट का झटका लगता है तो ये बेचारा उल्टे पाँव यहाँ से भाग जाता है। ये कुत्ता तो भाई साहब अलग ही लेवल का निकला, क्योंकि ये एक दो नहीं बल्कि एक बंदरों के पूरे झुंड से ही जा बिठता है, जिसके बाद तो सभी बंदरों को गुस्सा आ जाता है और फिर सभी बंदर एक साथ इस कुत्ते के ऊपर टूट पड़ते हैं और बेचारे कुत्ते की अच्छे खासी धुलाई करके इसको यहाँ से भगा देते हैं। अब आप भी देख सकते हैं कि बेचारे कुत्ते की बंदरों के डर के चलते पोटी निकल गई है। खैर यहाँ पर पोटी करते समय भी एक बंदर तो इसको भगाने आ गया और कुत्ते को ठीक से पोटी भी नहीं करने दिया। अगले स्टूडियो के अंदर एक बीमार और कमजोर चूहे के ऊपर एक कौवा हमला कर देता है और उसकी पूंछ पकड़ के अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जो ये कौवा इसकी पूंछ को पकड़ के इसे उठाकर ले जाने की कोशिश करता है तो हर बार ये चूहा इसकी पकड़ से छूट जाता है और उल्टा इसी के ऊपर हमला करने लग जाता है। लेकिन जो भी हो, आज इस कौवे ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि एक बीमार और कमजोर चूहा भी इसकी हालत खराब कर सकता है। यहाँ पर एक बिल्ली चुपचाप बैठी थी, लेकिन तभी अचानक एक शख्स एक नकली टाइगर लेकर इसके पास आ जाता है और जो ही नकली टाइगर बिल्ली के पास में आता है तो बिल्ली बुरी तरह डर जाती है और उछलते हुए यहाँ से डरकर भागती है। दोस्तों यहाँ पर आप भी देख सकते हैं कि जो ही नकली टाइगर बिल्ली के पास में आता है तो बिल्ली कितनी बुरी तरह डर जाती है। खैर आपका नकली टाइगर को देखने के बाद इस बिल्ली का रिएक्शन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली इस वीडियो में बिना बात एक कुत्ता एक बकरे से उलझ बैठता है और बकरे को कमजोर समझ के उसके ऊपर लगातार भौंकते हुए हमला करने की भी कोशिश करते रहता है। और दोस्तों यहाँ पर शुरुआत में ये बकरा भी इस कुत्ते को ज्यादा भाव नहीं देता है और उल्टा इस कुत्ते को चेतावनी देकर पीछे हटाने की कोशिश करते रहता है और इसी बात का फायदा उठाते हुए ये कुत्ता भी इस बकरे को कमजोर समझ लेता है और इसके ऊपर और भी ज्यादा हमला करने लगता है। पर जब आखिर में पानी सर से ऊपर निकल जाता है तो इस बकरे को भी गुस्सा आ जाता है और फिर ये इस कुत्ते को दो चार अच्छी खासी टक्कर मार देता है। लेकिन जो भी हो, बकरे की एक दो टक्कर खाने के बाद ही इस कुत्ते की सारी हेकड़ी निकल जाती है और ये चुपचाप यहाँ से कल्टी मार लेता है। यहाँ पर इन दो चूजों का सामना एक बिल्ली के बच्चे से हो जाता है, जिसके बाद ये दोनों चूजे भी शरारत के मूड में आ जाते हैं और लगातार इस बिल्ली के बच्चे का पीछा करने लगते हैं और लगातार पीछा करने की वजह से आखिर में इस बिल्ली के बच्चे को गुस्सा आ जाता है और फिर ये बिल्ली का बच्चा दोनों को एक एक पंजा मार देता है। लेकिन मार खाने के बाद भी इन दोनों चूजों की अकल ठिकाने नहीं लगती है और फिर भी ये लगातार इस बिल्ली के बच्चे का पीछा करते रहते हैं, जिसके चलते आखिर में बेचारा बिल्ली का बच्चा ही डर जाता है और डर कर यहाँ से भाग जाता है। अब जरा इस वीडियो को देखिए, जहाँ पर एक कुत्ता शांति से खड़ा है, लेकिन तभी यहाँ पर एक बंदर आ जाता है
और सीधा इस कुत्ते को परेशान करने लगता है। पर यहाँ पर एक कुत्ता भी इस बंदर को कुछ नहीं करता है और चुपचाप खड़े रहता है, जिसके चलते यहाँ पर बंदर भी बेखौफ हो जाता है और फिर तो सीधा इस कुत्ते के ऊपर ही चढ़कर बैठ जाता है और तब तक इस कुत्ते के कान खींचते हुए इसके ऊपर बैठा रहता है जब तक इसका मन नहीं भरता। दोस्तों, आपने एक बकरे का पंगा एक कुत्ते से तो देख लिया, लेकिन अब जरा एक बकरे का पंगा एक बुल से भी देख लीजिए, जहाँ पर पता नहीं किस वजह से ये बकरा नाराज हो जाता है और सीधा एक ताकतवर बुल से पंगा ले बैठता है। और यहाँ पर गुस्सा ये बकरा बार बार दौड़ते हुए उस बुल को टक्कर मारते रहता है, जिसके चलते यहाँ पर बुल की भी हवा निकल जाती है और वो भी चुपचाप यहाँ से कल्टी मार लेता है। अब दोस्तों, जरा इन दो मॉनिटर लिजार्ड के प्यार जताने के तरीके को भी देख लीजिए। अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं कि ये दोनों मॉनिटर लिजार्ड गले लगकर अपना प्यार जता रहे हैं, तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि असल में ये दोनों मॉनिटर लिजार्ड एक दूसरे के गले प्यार जताने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे की हड्डियां तोड़ने के लिए लगे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दी कि असल में मॉनिटर लिजार्ड ऐसे ही लड़ते हैं। हाँ, भले आपको मॉनिटर लिजार्ड के लड़ने का ये तरीका काफी ज्यादा प्यार भरा लगे। अब दोस्तों, इस वीडियो को भी देख लीजिए, जहाँ पर एक भालू पता नहीं किस वजह से गुस्से में आकर तोड़फोड़ मचाने लगता है। लेकिन भालू तोड़फोड़ ही मचा रहा था, तभी उसे ऐसी जगह पर चोट लग जाती है कि बेचारा जमीन पर लेटकर तड़पने लगता है। अब भालू को कहाँ चोट लगी ये तो आप सोच ही सकते हैं, पर जो भी हो, आज भालू ने गलत जगह पंगा नहीं लिया होता तो शायद आज उसके साथ ऐसा कभी नहीं होता। जब भालू की बात हो रही है तो जरा इस वीडियो को भी देख लीजिए, जहाँ पर एक बड़ा सा भालू चुपचाप खड़ा होता है। लेकिन दोस्तों, तभी अचानक यहाँ पर ऐसा हो जाता है जिसे देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर उल्टा ही बिल्ली भालू से डरकर भागने के बजाय उस भालू को ही डराकर पेड़ पर चढ़ा देती है। और यहाँ पर ये बेचारा भालू भी तब तक पेड़ से नहीं उतरता है जब तक कि उसके सर से बिल्ली का खौफ नहीं उतरा। इस भालू के लिए तो हमारे पास एक ही शब्द है, क्या भालू बनेगा रे तू। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको एनिमल फनिस्ट मोमेंट कोटोन कैमरा वीडियो का पार्ट 7 जरूर पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करना। It's okay. तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।